राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, आज हम जो है यात्रा में गए हुए व्यक्ति की वापसी के विषय में चर्चा करेंगे, किंतु शायद जो है आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो यदि ऐसा भूलते हैं आप तो ध्यान करें, उसे जो है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और यात्रा से संबंधित चर्चा करेंगे, तो यदि कोई व्यक्ति जो है यात्रा में गया है तो ग्रह योगों के हिसाब से वापसी के लक्षण क्या है, इसको समझते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न, लग्न में यदि दूसरे घर में शुक्र हो, तीसरे घर में गुरु हो, या प्रश्न लग्न में शुक्र की स्थिति हो और चौथे में गुरु की स्थिति हो, तो परदेश में गया हुआ परदेशी जो है इस योग से शीघ्र वापस आता है। किंतु यदि जो है हमें प्रश्न कुंडली देखना नहीं आता और हम प्रश्न कुंडली नहीं देख पा रहे हैं और कोई हमारे पास आया है हमें बताना है, तो हम कैसे बताएं? इस विषय को समझने के लिए हमें जो है तिथि, बार, नक्षत्र और प्रहर, इन चारों का योग करना है। तिथि की गणना शुक्ल पक्ष से होगी, बार की गणना रविवार से होगी, नक्षत्र की गणना अश्विनी से होगी, और दिन में चार प्रहर होते हैं, रात्रि में चार प्रहर होते हैं। तो सूर्योदय सूर्यास्त से जितने घंटे का दिन हो उसे चार से विभाजित करके एक प्रहर की कल्पना जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रहर की गणना करें, इन चारों के योगों को एकत्र कर सात से विभाजित कर दें, और यदि शेष एक बचे तो जातक यात्री जिस स्थान के लिए गया है अभी वो उसी स्थान पर स्थित है, यदि दो शेष बचे तो मार्ग में है, यदि तीन शेष बचे तो किसी अर्धमार्ग में स्थित है, यदि चार शेष बचे तो घर के गांव के समीप में जो है आ गया है, और पांच शेष बचने पर आता हुआ अर्धमार्ग से पुनः जो है वापस हो गया, छह शेष बचे तो किसी रोग से संक्रमित है, रोग के कारण नहीं आ पा रहा है, और यदि जीरो शेष बचे तो उसकी मृत्यु हो गई है जिसके कारण आना संभव नहीं है। एक तो इस विधि से जो है आप जान सकते हैं, दूसरा कृतिका नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक जो है तो गणना करें, अर्थात जिस दिन कोई आपके पास में आया है, आपसे प्रश्न किया है, उस दिन का नक्षत्र पंचांग में देखें कि क्या है, और जो वर्तमान नक्षत्र हो उस नक्षत्र तक कृतिका नक्षत्र से जो है गणना करें, जो संख्या प्राप्त हो उसे पुनः जो है सात से विभाजित करें, और यदि एक शेष बच जाए तो व्यक्ति जिस स्थान के लिए गया है, घर से निकला है, उसी स्थान पर स्थित है, यदि दो शेष बचे तो शीघ्र लौट करके आएगा, और यदि जो है तीन शेष बचे तो कहीं उस स्थान से अन्यत्र चला गया है, चार शेष बचे तो जातक ने जिस दिन प्रश्न किया है उसी दिन जो है लौट करके वापस आएगा, पांच शेष बचे तो थोड़ा समय लगेगा, देर लगेगी, लेकिन लौट करके आएगा, छह शेष बचे तो बीमार है, सात शेष बचने पर लौटने की कोशिश कर रहा है, और यदि कदाचित आपको यह सब जो है प्राप्त नहीं हो
तो बार के अनुसार भी जो है आप अनुमान कर सकते हैं। यदि बुधवार शनिवार को जो है कोई आकर के आपसे प्रश्न करता है तो आप कह सकते हैं कि यात्री मार्ग में है। गुरु शुक्रवार को प्रश्न करता है तो नगर के समीप में आ गया है। मंगलवार शनिवार को अगर कोई प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि कहीं दूर चला गया है। और यदि शनिवार को जो है तो प्रश्न करता है, रविवार मंगलवार को प्रश्न करे तो कहीं दूर चला गया है। और यदि शनिवार को प्रश्न करता है तो किसी पीड़ा में, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जो है तो लौटने में विलंब हो रहा है। इस प्रकार से भी जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। और जहां यह संशय हो जाए कि व्यक्ति जीवित है कि नहीं है, ऐसी स्थिति में सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिने, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिने, अर्थात सूर्य यदि जो है मेष राशि के 0° से 13° 20 कला तक है तो अश्विनी नक्षत्र में है। यदि इससे ऊपर चला जाता है, 21 नक्षत्र में हो, 25 नक्षत्र में हो या 26 वो 21 अंश में हो या 25 अंश में हो, अन्यथा जो है 26 अंश 40 कला के अंदर हो या 40 कला तक हो तो सूर्य भरणी नक्षत्र में है। इससे ऊपर 30 तक मेष राशि में, कृतिका में है। इससे ऊपर वृष राशि के 10 अंश तक कृतिका में है। 10 अंश से ऊपर जाएगा तो रोहिणी में चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सूर्य किस राशि के किस अंश में स्थित है और जिस अंश में हो उससे नक्षत्र को समझ करके और उस नक्षत्र से गणना करें, जिस दिन प्रश्न किया उस दिन के नक्षत्र तक जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या को 7 से जो है विभाजित करें। और यदि हम ये कह दें कि आप विभाज्य भी न करें तब भी काम चलेगा तो कैसे चलेगा? तो यदि इन दोनों की गणना के मध्य में 7 संख्या प्राप्त होती है, 7 के मध्य की संख्या प्राप्त होती है तो गया हुआ व्यक्ति जो है तो निर्जीव है। और उससे आगे 7 से आगे अगर 12 नक्षत्र तक जो है तो संख्या प्राप्त होती है तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जीवित है। और उससे आगे अगर 9 नक्षत्र और प्राप्त हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित है, किसी संकट में है, किसी रोग से पीड़ित है, इसलिए आने में विलंब हो रहा है। तो आज मित्रों हमने जो है इस तरह से यात्रा में गए हुए व्यक्ति के ऊपर जो है तो चर्चा की है। आशा करता हूं कि इन सबसे जो है आपको लाभ मिलेगा और आप सबके ऊपर जो है श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।